哎呀！रुको, भाग जाओ, यहाँ ना आओ। बेटा, घर भर में खेल खेल में मत मिलाओ। बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आओ। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आओ। बादल से कहता कब कोई, मत जलधारा यहाँ बरसाओ। फिर क्यों हमसे भैया कहते, भाग जाओ यहाँ ना आओ। अम्मा कहती है, घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते हैं, बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आओ। हम पर ही सबका बस चलता, क्या सही है हमें बताओ। इस हिंदी कविता को उड़िया भाषा में समझते हैं। कविता का नाम है हमसे सब कहते। सबे आमु कहती, यह छोट छोट शिशु मानकर भावना को यही कवितार व्यक्त करते बेले छोट शिशु मैंने घर थार सदस्य मैने विभिन्न उपदेश दिखती विभिन्न जिनस नक कही थारे कवितार व्यक्त करूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। तर उड़िया अर्थ हो सूर्य को कहीं कहते नहीं कि एठारे तू तोर आलोक देनी कि खरा एवं कही हेले चांद को कहे नहीं कि तू चांदनी एठू नहीं जा को बोली। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आओ। बादल से कहता कब कोई, मत जलधारा यहाँ बरसा। कही हले पवन को कहे नहीं तो भीतर को आसबू नहीं बोली। कही बादल को कहे नहीं कि तू एठारे वर्षा करनी बोली। फिर क्यों हमसे भैया कहते, भागो जाओ यहाँ ना आओ। अम्मा कहती है, घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। तो कहें कि मते मो भाई कहे तो एठाकु आनी। कहें कि माँ कहे तो घर सारा खेल खेलुना एठी सेठी पकाओ नहीं। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आओ। हम पर भी सबका बस चलता, क्या सही है हमें बताओ। पापा कहते भीतर को आनी, जा बाहर खेलो। कहें कि के जानी समझते केवल आम को कही था, तो क्या सही है हमें बताओ। कौन ठीक ता मते कह। तो ये थिला उड़िया रे तार अनुवाद। चलिए अब हम इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। नंबर एक, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। सूर्य और चांद से कोई भी क्या नहीं कहता। चलिए मैं उत्तर बोल देता हूँ, तुम लोग इस उत्तर को लिख लेना। नंबर एक का उत्तर है, सूर्य कोई यह नहीं कहता। ठीक से सुनिए, सूर्य को कोई यह नहीं कहता है कि धूप यहाँ मत फैलाओ, और चांद से कोई यह नहीं कहता कि है कि चांदनी को उठाकर यहाँ से ले जाओ। ख प्रश्न है, जलधारा कौन बरसाता है। उत्तर, जलधारा बादल बरसाता है। ग माँ क्या कहती है, माँ कहती है
कि घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। नंबर दो, निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। क, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आओ। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आओ। ग है फिर क्यों हमसे भैया कहते भागो जाओ यहाँ ना आओ। तो इस तरह से इस पंक्तियों को पूरा कीजिए। अगर कोई भी संदेह हो तो इस कविता को देखकर इस पंक्तियों को पूरा कर सकते हो। चलिए अब नंबर तीन देखते हैं। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द कहले हमें जानी छू समानार्थक शब्द को बुझाई थाए चार दुईटी नाम थाए किंबा दुई रु अधिक नाम थाए। तो सूर्य का दो पर्यायवाची शब्द है तपन दिवाकर, चांद का चंद्रमा शशि, हवा का वायु पवन, बादल का घटा जलद, पानी का नीर अव्यु। नंबर चार देखते हैं। पाठशाला में और घर में आपको क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने से मना किया जाता है नीचे दी गई तालिका में लिखिए। कीजिए मत कीजिए। देखिए मैं बोलता हूँ, ठीक से सुनना है और इसको लिखना है। कीजिए सफाई मत कीजिए गंदगी। कीजिए शांति मत कीजिए हल्ला चिल्लाना। कीजिए काम मत कीजिए बातचीत। कीजिए पढ़ाई खाली मत बैठो। कीजिए समय का सदुपयोग मत कीजिए समय का दुरुपयोग। इस तरह तुम और भी लिख सकते हो। चलिए अब नंबर पाँच देखते हैं। सोचिए और बताइए कि कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। का प्रश्न है सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा सूरज ज़्यादा ताकतवर है। ख बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। उत्तर होगा बादल सूरज को ढक कर ताकतवर बन जाता है। ग हवा बादल को भगा देता है, सही भगा देती है। तो हवा ज़्यादा ताकतवर है। नंबर छः देखते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ। मोहन को बहुत सी वस्तुओं का नाम आते हैं। उसने नामों को लेकर निम्न प्रकार एक सूची तैयार की। मोहन की सूची को ठीक से देखिए और अब मोहन सोच रहा है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। चलिए हम करते हैं। अक्षर क म ब ल प ग स दिया है। उसके बाद जानवर या पक्षी का नाम लिखना है, फिर खाने पीने का सामान, खेल का नाम और सामान लिखना है। चलिए पहले इस सूची को हम देखकर इसका उत्तर लिखते हैं। पहला अक्षर क का लिखते हैं। क पर होगा कबूतर, ककड़ी, कबड्डी। ब पर होगा बकरी, बेर, बल्ला। म पर होगा मगरमच्छ, मूंगफली, मल्लजीत। ल पर होगा लकड़ बगदा, लड्डू, लट्टू। प पर होगा पपीहा, पपीता, पोलो। ग पर होगा गाय, गुलाब जामुन, गिल्ली। स पर होगा शक्कर, शहतूत, संतरज। तो नीचे चलते हैं। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों वस्तुओं और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखिए। लोगों हमसे सब कहते हैं, लोग लिखते हैं पहले भाई, माँ, पापा, बहन, ताई।
फिर लिखते हैं चीज के नाम, सूर्य, चांद, हवा, बादल, पानी। फिर जगह का नाम, अंदर, बाहर, वहाँ, इधर। इस तरह से तुम इस अभ्यास को कर लेना है। अगर कोई संदेह है तो बेशक मुझे तुम पूछ सकते हो, ठीक है। शुक्रिया, चलते हैं, फिर मिलेंगे कोई और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।